दोस्तों बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पराठा नहीं पसंद होगा। पराठा को जितना बनाना आसान है उतना ही पराठा खाने में टेस्टी होता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुनीता सिंह चैनल में। हम आज पराठा की बात कर रहे हैं, तो पराठा हम आलू मटर की बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आलू मटर पराठा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमने ये चार आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें उबाल लिए, उबाल के हमने मैश कर लिया है। कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, हरी मिर्चें हैं, हमने चार हरी मिर्चें ली हैं। मटर है जिनमें हमने सीटी लगा लिया है, एक सीटी लगा लिया है। थोड़े से धनिया पत्ती है, चाट मसाला है, खाने वाला सोडा है, अजवाइन है, नमक है और आटा है। सबसे पहले हम इसको इसलिए उबाल लिए हैं क्योंकि हमें जल्दी बन जाए, जल्दी तैयार हो जाए। ये देखिए हमने इसको एकदम सॉफ्ट उबाल लिया है, बस एक ही सीटी लगाए, लगा के हमने इसको एकदम ठंडा कर लिया है। चलिए हम डिश प्रोसेस कर लेते हैं। हमने पैन रख दिया है गैस पे, पैन हमारी गर्म हो रही है। उसमें हम एक बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं, आप चाहे तो फॉर्चून ऑयल डाल भी डाल सकते हैं। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ऑयल गैस को हमने फुल फ्लेम पे रखा है, ऑयल हमारी लगभग गर्म हो चुकी है। उसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं, आधा चम्मच के लगभग। आप चाहे तो जीरा अजवाइन दोनों डाल सकते हैं, लेकिन हम अजवाइन डाल रहे हैं। इसे हम इसे चटकने देते हैं, अजवाइन को हम थोड़ी सी लाल कर लेते हैं। अजवाइन हमारी लाल हो चुकी है, अब इसमें उबले हुए मटर डाल देते हैं। आग को स्लो कर दीजिए, इसे चला देते हैं। अब इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं, जिसको हमने पहले से मैश करके रखा है। ये आलू डाल देते हैं, इसे मिक्स कर दीजिए। आलू मटर पराठा हम इसी तरीके से बनाते हैं, हमारा तरीका है। अगर आपको और अच्छा तरीका आता है आलू मटर पराठा बनाने को, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। इसे हम ढक देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर। आज को हमने स्लो ही रखा है, ज़्यादा तेज नहीं रखा है। अब हम डिश प्रोसेस कर लेते हैं। हमारे पास है जो लहसुन और हरी मिर्चें हैं, धनिया पत्ती है, इसका हम मिक्सर जार में पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए जब तक हमारी आँच पे पक रही है आलू मटर, तब तक इसको हम पेस्ट बना लेते हैं धनिया मिर्चा का। एक बार पैन हटा के हम चला देते हैं। आज को हमने स्लो ही रखा है। ऐसे कर दीजिए, मटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने पहले से भी उबाला है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट है, बस इसको हमें अच्छी तरह से मसलना पड़ेगा। हमने पेस्ट बना लिया, हमने ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा मोटा ही बनाया। पानी की मात्रा हमने कम ही रखी है। अब इसमें इसको डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, हम आपको हल्दी बताना भूल गए थे, इससे देखने में अच्छा लगेगा। नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए। सॉल्ट डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, इस तरह से। देखिए इसको हमें दो चार मिनट लगभग भून लेना है, अच्छी तरह से हमारा सॉल्ट भी मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें भरवा पराठा बनाना है आलू मटर का। इस तरह से इसे हम, चलिए अच्छी तरह से इस तरह स्मैश करते हुए भून लेते हैं। हमने मसल लिया है सारा आलू मटर हमारे मैश हो चुके हैं, एक बराबर हो चुके हैं। अब धनिया लहसुन भी हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम गैस को पहले ऑफ कर देते हैं, गैस हमारी ऑफ हो जाए। अब इसमें हमें चाट मसाला डालना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, क्योंकि जब पराठे हम भरेंगे तो फटने लगेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और इसको एकदम ठंडा कर लेना है, क्योंकि अब ये गीला है, ठंडा होगा थोड़ा सा टाइट होगा तभी हम पराठा बनाएंगे। चलिए पहले इसमें चाट मसाला डाल, आधा चम्मच हमने चाट मसाला ले लिया है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, आप खटाई पाउडर डाल सकते हैं या फिर हल्का सा नींबू का रस डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिला देना है, ये बहुत चटपटी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आलू मटर का, अगर मटर का सीजन है तो आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया अच्छी तरह से, अब हमारे मैश हो गई है, लेकिन हम इसे एकदम ठंडा कर लेंगे, तभी हम पराठा बना कर, जब तक हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा का डो लगा लेते हैं। हमने आटा लिया है, अब इसमें हम खाने वाला सोडा डाल देते हैं, इसे पराठा हमारी और सॉफ्ट बनेगी। हमने छोटी स्पून से आधा चम्मच का लगभग लिया है। अब इसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं,
जिससे हमारा आटा भी फीका फीका ना लगे। नहीं, एक बड़े चम्मच के लगभग आटा ले लिया है, सॉरी नमक ले लिए हैं। इसे मिक्स कर दीजिए, थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए जिससे अजवाइन का भी फ्लेवर खूब अच्छी आए। अब इसको हम एकदम सॉफ्ट आटा डो लगाना है, इसे टाइट नहीं गूंथना, तो एकदम थोड़ा सा हम इसका सॉफ्ट डो लगा लेते हैं, तब तक हमारी मिश्रण भी ठंडी हो जाए। चलिए हम आटा को गूंथ लेते हैं। आटा का डो हमने लगा लिया था, हमने 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था कि हमारा आटा थोड़ा सा अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए आटा को हमने थोड़ा सा गीला ही गूंथा है, ज़्यादा टाइट नहीं है, आटा हमारा थोड़ा सा गीला ही है, ये देख लीजिए। अब हमारा मिश्रण भी ठंडा हो गया है, तो चलिए हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने तवा रख दिया गैस पे, स्लो आग पे, हमने स्लो में गैस तवा रख दिया, तवा हमारी अच्छी तरह से गर्म हो रही है। हमने मीडियम साइज के बॉल्स ले लिए हैं, इस पराठे को हमें थोड़ा सा मोटा बनाना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आटा के पेड़े में हम सूखा आटा लगा देते हैं जिससे आटा हमारा हाथ में न चिपके, क्योंकि आटा को हमने थोड़ा सा गीला गूंथा है, तभी हमारा पराठा अच्छा बनेगा। इस तरह से बाउल का काट दे दीजिए, इस तरह से हमें भरना है अंगूठे की मदद से, तरह से करते जाइए। ये देखिए हमने बाउल का शेप दे दिया, इसमें मिश्रण को भर देते हैं। मिश्रण को ज़्यादा नहीं भरना है ना कम ही भरना है, मीडियम ही रखिए, नहीं पराठा हमारे फट जाएंगे। ज़्यादा रखेंगे तो पराठा फट जाएंगे, क्योंकि मिश्रण थोड़ा सा गीला होता है, इसलिए पराठे को आप सावधानी से भरिए, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, इस तरह से अंगूठे की मदद से दबा दीजिए, इस तरह से हम इसे बंद कर देना चारों तरफ से अच्छी तरह से। तब तक हमारा तवा भी गर्म हो रहा है, हमने आटे को अच्छी तरह से बंद कर दिया, इस तरह से राउंड शेप देते हुए। अब इसको हाथ से हमें प्रेस कर देना है, इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। अब इसके ऊपर हमें बेलन लगा देना है, तो थोड़ा सा सूखा आटे में इसको पहले लपेट दीजिए, पहले सूखे आटे में लपेट दीजिए इस तरह से, जिसे चिपके ना, इस तरह से इसको राउंड शेप दे दीजिए। बस एकदम हल्के हाथ से हमें बेलन लगाना है, नहीं पराठा हमारा फट जाएगा। चलिए हम बेलन लगा लेते हैं, एकदम धीरे धीरे बेलना है, बिल्कुल दबाव नहीं देना है, इस तरह से। तब तक हम दूसरी तरफ तवा भी गर्म कर लेते हैं। आज अभी हमने आज को स्लो ही रखा है, तवा हमारी गर्म हो चुकी है, हमने पराठा भी बेल लिया है, ये देख लीजिए मीडियम साइज में, ये थोड़ा हमने मोटा ही रखा है, इसको हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं आराम से। तवा हमारी अच्छी तरह से गर्म है, इसलिए आज को हम मीडियम कर देते हैं, फुल फ्लेम पर रहेगी तवा हमारे, तो पराठा हमारे अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आज को मीडियम कर दीजिए कि पराठा हमारी अच्छी तरह से सिक जाए नीचे से। चलिए सेक लेते हैं नीचे, पराठा को पलट देते हैं धीरे से, ये देखिए पराठा हमारी कच्ची कितनी अच्छी तरह से सिक चुकी है, नीचे से भी अच्छी तरह से सिक जाए पराठा। एक बार चेक कर लेते हैं, पराठा हमारा गर्म है इसलिए हम चमचा लगा रहे हैं, देखिए पराठा नीचे से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसमें हम ऑयल लगा देते हैं, फॉर्चून ऑयल है, आप चाहे तो देसी घी भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड है। हम फॉर्चून ऑयल लगा रहे हैं, तवा को पकड़ लेते हैं, तवा हमारी हिल रही है। ये पराठा बहुत ही टेस्टी होती है, खाने बहुत ही अच्छी लगती है, इसको पलट दीजिए। आप इस पराठे को जरूर ट्राई करिएगा, बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, पराठा थोड़ा सा मोटा बनता है लेकिन खाने उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मिश्रण थोड़ा सा गीला होता है, मटर थोड़ा सा पानी वाला है, इसी बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन खाने में उतनी टेस्टी होती है। पराठे को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से आप मिश्रण को एकदम ठंडा कर लीजिएगा, तब भरिएगा, तो हमारा पराठा नहीं फटेगा। इस तरह से हल्का सा प्रेस देते रहिए कि किनारे का भी हिस्सा सिक जाए, हल्का सा प्रेस इस तरह से करते हुए कि हमारा पराठा एकदम लाल हो जाए। हमने आटा में ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि पराठा खाने एकदम सॉफ्ट होता है, हमने खाने वाला सोडा डाल दिया, इसलिए हमने ऑयल नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इस तरह से आज को हमने स्लो कर दिया है, करके हमें सारे पराठे इसी तरह सेक लेना है, बस प्रेस कर दीजिए इधर से भी ऐसे। जब भी आप पराठा पूड़ी बनाइए इस तरह से किनारे का हिस्सा ज़रूर सेक लीजिए। चलिए एक एक करके हम सारे पराठे इसी तरह रेडी कर लेते हैं।
एक एक करके हमने सारे पराठे रेडी कर लिए खाने के लिए। हमारा पराठा रेडी है लेकिन ये बहुत गर्म है, बीच में थोड़ी ठंडा कर लेंगे। अगर आपको हमारा पराठा बनाने का तरीका अच्छा लगा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। अगर नए हैं फर्स्ट बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी कोई भी वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा, बीच में से अधूरा नहीं छोड़िएगा। हम ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।